लूथरा हाउस में शौर्य के साथ शादी करके लौटी पलकी, राजवीर उतारेगा इनकी आरती। कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड होगा धमाकेदार, जहां पर शुरू हो चुकी है राजवीर और पलकी की शादी की तैयारियां, लेकिन लगने वाला है सबसे बड़ा झटका खुद राजवीर को। जी हां दोस्तों, आने वाली कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब यहां पर राजवीर की शादी पलकी से नहीं हो पाएगी और ये सब कुछ होने वाला है शौर्य की वजह से, शौर्य के मास्टर प्लान की वजह से पलकी की शादी राजवीर से नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि आने वाली कहानी में शौर्य एकदम पागल होने वाला है पलकी के प्यार में और पलकी को पाने के लिए वो हर हद पार करने वाला है। जब यहां पर देखेगा शौर्य की राजवीर और पलकी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन उसके दिल में जलन हो रही है, उसे तकलीफ हो रही है देखकर पलकी को राजवीर के साथ। तो ऐसे में यहां पर राजवीर जो है वो बहुत ही खुश तो है, लेकिन उसकी खुशियों को लग चुकी है नजर, क्योंकि अब शौर्य जो है वो पलकी के साथ शादी करने वाला है, वो भी जबरदस्ती। लेकिन ये शादी एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करने वाली है लूथरा परिवार में, क्योंकि यहाँ परिवार वालों को झटका लगने वाला है देखकर कि भाई ये क्या हो गया, यहाँ तो राजवीर और पलकी की शादी की तैयारी चल रही थी, आखिरकार पलकी ने ऐसा क्यों करा, शौर्य के साथ शादी करके वो क्यों आ गई है जहां राजवीर जो है वो खुद अपने हाथों से आरती उतारने वाला है पलकी और शौर्य की, ऐसा क्यों करा है पलकी ने। यही सवालों के जवाब जो है अब प्रीता भी मांगने वाली है पलकी से, लेकिन यहाँ पलकी कुछ नहीं बोलेगी, वो चुप रहने वाली है। आखिरकार पलकी के साथ क्या हुआ है, शौर्य ने कौन सी बात यहाँ पर पलकी को बता दी जिसके बाद पलकी जो है शौर्य से शादी नहीं तोड़ पाई और लूथरा हाउस में शादी करके आ गई। भाई देखना कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार ये शादी के पीछे की वजह क्या होने वाली, क्या राजवीर पता लगा पाएगा कि आखिरकार पलकी ने उसे धोखा क्यों दिया है और उसके भाई शौर्य के साथ शादी करके वो लूथरा हाउस में क्यों आ गई है। वेल दोस्तों, हमें कमेंट के शेयर करें आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए, और क्या आपको भी लगता है कि पलकी को शौर्य के साथ शादी करनी चाहिए या फिर उसने गलत किया ये शादी करके, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।